नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हम देख रहे हैं. क्वेश्चन में गिवन है द डायग्राम बिलो शो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ सर्टन टाइम एंड लोकेशन. ओके, यहाँ पर हमारे पास में डायग्राम में गिवन है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपोनेंट है. द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब कभी हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है. और उसका अगर हम एक्सप्रेशन देखें, उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज इक्वल टू इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगा. ई क्रॉस बी जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है. तो यहाँ पर अगर हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर करें तो ये हो जाएगा हमारा आई केप, क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस कंसिडर किया है. इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल अपवर्ड हम वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस जे केप होगा और जेड एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वो के केप होगा. ओके, जो कि आउटवर्ड टू दी प्लेन होगा. अगर हम यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कंसिडर करें माइनस जे केप जो कि हमको डायग्राम में दिख रहा है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम यहाँ लिख सकते हैं आई केप. ओके, तो यहाँ अगर हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की बात करें तो वहाँ लिखेंगे ई क्रॉस बी. ई क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो ई क्रॉस बी के लिए ई का डायरेक्शन माइनस जे केप और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई केप के साथ में तो यहाँ पर हमको मिलता है के केप. क्या मिलता है, के केप. के केप मतलब कि जेड डायरेक्शन, मतलब कि जेड डायरेक्शन. जेड डायरेक्शन मतलब कि आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड टू द प्लेन. तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम, परपेंडिकुलर टू ई एंड बी बिल्कुल सही है. इलेक्ट्रिक जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब ए वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके.